ये शब्द बोलने के कारण क्या है? आज आप सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, हर क्षेत्र में का, हर समाज का, हर फील्ड में का बच्चा यहाँ पर उपस्थित है। प्रथमतः यहाँ पर जो कैंप लिया गया, उस कैंप के आज क्लोजिंग सेरेमनी के जो आज के प्रमुख मेहमान है वो है सांगली जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा वेस्टर्न फुटबॉल एसोसिएशन के डायरेक्टर माननीय श्री जगू सैयद सर यहाँ पर उपस्थित है। उनके लिए अपन सब जन जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ में उनके साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित है जिस जगह पर ये कैंप लिया गया उस जगह के ओनर माननीय श्री शकील सर यहाँ पर उपस्थित है। जगू सैयद के साथ वो भी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी तहे दिल से आसिफ और तिरंगा फुटबॉल क्लब और उनके साथीदार जो यहाँ पर सभी उपस्थित है उनकी तरफ से फिर एक बार उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ में क्रीड़ा क्षेत्र में जिन्होंने काफी नाम कमाया जो ताजगांव के बस्तौड़े हाई स्कूल में क्रीड़ा शिक्षक करके कार्यरत है माननीय श्री अभिजीत विभूति सर यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी ताजगांव में अभी 15 दिन पहले उन्होंने कैंप लिया था फुटबॉल का, वहाँ पर भी वो प्रमुख वक्ते थे। उनका भी यहाँ पर तिरंगा फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, सांगली जिला फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वागत तो हो गया लेकिन स्वागत के समय आसिफ सारवान जो सर है आपके, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है कि ये मंच पर सभी खिलाड़ी मेहमान बैठे, कोई राजकीय पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर राजकीय पक्ष का व्यक्ति यहाँ पर आता तो अपने में फुटबॉल में और कैंप में भी राजकीय बातें होती है, तो ये सब नहीं होते। उन्होंने सिर्फ एक स्पोर्ट्स के मेंबर को बुलाया, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आसिफ सारवान सर के लिए भी अपन सब लोग जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करेंगे। उनके साथ है यहाँ पर उनके साथ देने वाले अली मनीर, ये भी साथ ही साथ में कैंप की तैयारी के पहले से आसिफ सर के साथ है और लास्ट तक क्लोजिंग सेरेमनी तक यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर मौजूद बच्चों के पेरेंट्स जो यहाँ पर माताजी पिताजी आए, उनके बड़े भाई बहन या जो भी उनके मेहमान यहाँ पर जो बच्चों के साथ आए, उनका भी मैं फुटबॉल तिरंगा फुटबॉल क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत हो गया लेकिन स्वागत जो यहाँ पर उपस्थित है सभी का हो गया लेकिन उनका मान सम्मान करना जरूरी है, तो उनका मान सम्मान करने के लिए पुष्प कुछ यहाँ पर देना जरूरी है। प्रथमतः मैं आसिफ सारवान